नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बुलडोजर की जब राजनीति में एंट्री हुई थी तो ऐसे हुई थी जैसे ये बुलडोजर एक ही झटके में टेढ़ों को सीधा कर देगा। यूपी में योगी बाबा ने जब बुलडोजर माफियाओं और बदमाशों पर चलाया तो देश में उसकी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे न्याय का नाम बना और बुलडोजर नया नाम बन गया। हर जगह न्याय का फैसला बुलडोजर से होने लगा। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा, मगर अब ऐसा मनमाने अंदाज में नहीं किया जा सकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही बुलडोजर एक्शन पर कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी के भी घर को तोड़ना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये सुनिए। सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है, अन्य राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्यवाही नहीं कर सकते। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने जैसा है जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब विपक्षियों ने इस फैसले पर ताली बजाई है, मगर खास बात यह है कि फैसला यूपी सरकार के लिए बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है। 2017 से लेकर अब तक बुलडोजर का इस्तेमाल यूपी में अपराधियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती दिखाने के लिए किया गया और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कठोर प्रशासनिक छवि के तौर पर पेश किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है जिससे योगी सरकार को कई सियासी और प्रशासनिक नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या चलिए वो भी बता देते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त और प्रभावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था जिसे जनता ने काफी सराहा था, वो अक्सर अपनी रैलियों में बुलडोजर का इस्तेमाल कर अपनी सख्त छवि को दिखाने के लिए काफी प्रयोग करते थे। बुलडोजर बाबा की उपाधि भी उन्हीं के नाम से जुड़ी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी के लिए अपनी सख्त छवि को बनाए रखना मुश्किल होगा। वहीं बुलडोजर का इस्तेमाल यूपी में बढ़ते अपराधों पर काबू पाने के लिए किया गया था। जब अपराधी या आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता था तो सरकार को तत्काल राहत मिलती थी और वो क्राइम कंट्रोल के मामले में फ्रंट फुट पर दिखती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति को सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि भाजपा के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी लागू कर रहे थे। ये भाजपा को देश भर में सख्त प्रशासन की छवि के रूप में बढ़त दिला रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये रुझान रुक सकता है क्योंकि देश भर में अन्य मुख्यमंत्री भी अब इस नीति को अपनाने में डरेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब से 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उपचुनाव भी अभी होने हैं। योगी सरकार के लिए यह फैसले से पहले तक की अपनी सख्त छवि को चुनावी मुद्दा बनाने का अच्छा मौका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के पास अपनी प्रशासनिक नीति को सही ठहराने के लिए कोई कानून आधार नहीं बचा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर यूपी सरकार को गंभीर कानूनी और सियासी चुनौतियों से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। योगी आदित्यनाथ को अपनी सख्त छवि को फिर से गढ़ने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। अब उन्हें क्राइम कंट्रोल, विकास और न्याय के बीच संतुलन बनाना होगा। इस फैसले का असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भाजपा की सियासत को भी ये बड़ा झटका दे सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।